अप्राकृतिक संबंध न बनाने पर युवक की हुई थी हत्या। 19 सितंबर को दिया उपहार, गांव की बाग में मिली थी लाश। यूपी के कौशाम्बी में सराय अकेल थाना क्षेत्र के दिया उपहार गांव के ताहिर हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। गांव के ही एक सरफिरे ने युवक को गुप्तांग व चेहरे पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी। उसके शव को एक बाग की झाड़ियों में फेंक दिया था। हत्या के एक दिन बाद उसका शव बरामद हुआ था। दरअसल 18 सितंबर को ताहिर नमाज पढ़ने के बाद अचानक लापता हो गया था। 19 को उसका शव झाड़ियों में मिला था। मृतक का मोबाइल आरोपी हत्या के बाद अपने साथ लेकर चला गया था। सर्विलांस के जरिए लोकेशन का पता चला तो आरोपी को उठा लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि ताहिर को वह बेहला फुसला कर बाग की तरफ ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन मृतक ने इनकार कर दिया। इतना इस मामले को ग्रामीणों व परिजनों से बताने की बात कही। अपना कृत्य छुपाने के लिए उसने कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह ने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, उसे जेल भेजा जा रहा है। सर, एक हत्या का खुलासा किया गया है, क्या पूरा मामला इसमें किस तरह है? 19 सितंबर 2020 को थाना सराय के क्षेत्र में एक लड़के की हत्या कर दी गई थी, जिसका पुलिस ने आज खुलासा किया है। और उसमें हत्या में सिर्फ कुल्हाड़ी और लड़के का मोबाइल आज बरामद हो गया है। जेल भेजा जा रहा है। सात संकलन के बाद जो विधिक कार्रवाई होगी उसकी। कारण क्या था जो युवक की हत्या किया था, किस कारण से? वो उसने जो स्वीकार किया है घटना में, स्वीकार किया कि मैंने उसे अप्राकृतिक संबंध बनाने के प्रयास किया, वो नहीं माना, इसलिए उन्होंने उसको मार दिया और उसका मोबाइल नहीं था।